that little mouse, cause I'm an albatross. हे दोस्तों, आपने अभी जो 3D नेम इंट्रो देखा, सेम वैसा ही 3D नेम इंट्रो अपने एंड्रॉइड फोन में काइन मास्टर की मदद से कैसे क्रिएट करना है, आज हम इस वीडियो के अंदर दोस्तों सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए आज का हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो नोटिफिकेशन बेल आएगा इसके पर क्लिक करके दोस्तों ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों चलिए आज का हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों आपको इस तरह का 3D नेम इंट्रो क्रिएट करने के लिए यहां पर आपको दो ऐप को यूज करना होगा, एक का नाम है पिक्सल ऐप और दूसरे का नाम है काइन मास्टर। दोस्तों अगर आपके पास दो भी नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एक बार देख लेना, वहां पर इसका लिंक दे दिया है, वहां पर से आप इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना है, इस पिक्सल ऐप को ओपन करना है। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों आपका पिक्सल ऐप ओपन हो चुका है। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर इस ए के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे उसके ऊपर क्लिक करते हो तो दोस्तों यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख सकते हैं एडिट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर इसको रीनेम करके जो भी आपका चैनल का नाम है उसको यहाँ पर आपको लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर यूअर नेम करके यहाँ पर मैं लिखूंगा एंड देन डन और फिर इसको कर देना है ओके। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से शो करेगा। अभी दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको फॉन्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इतने सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे, जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगता है दोस्तों वो फॉन्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या नहीं तो दोस्तों यहाँ पर मैं फॉन्ट सेलेक्ट करके रखा है। अगर आपको भी ये फॉन्ट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन एक बार देख लेना, वहाँ पर इसका भी लिंक दे दिया है, वहाँ पर से आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करा और इसको कर देना है ओके। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से शो करेगा। अभी दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्ट्रोक करके, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों डिसेबल है, एनेबल कर लीजिए। कर देने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, इस प्लेस मार्क के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। आपको क्या करना है, ये जो डॉट है इसको यहाँ पर आपको ग्रीन के ऊपर लाना है और ये जो है आपको इस तरह से राइट में कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3 ये तीन भी जो है राइट में रख देना है और इसको कर दीजिए ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ग्रीन कलर मिल जाएगा। अभी आपको इसको कर देना है ओके। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, फिर से आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको 3D टेक्स्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर यह डिसेबल होगा, एनेबल कर लीजिए और इसको कर दीजिए ओके। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हैं लेयर्स का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका टेक्स्ट जो है क्रिएट हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, इसको सिंपली सेव करना है। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको SD कार्ड वाला ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करके सेव एज इमेज के ऊपर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डायमेंशंस डिफॉल्ट है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको अल्ट्रा रख के सेव टू गैलरी के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी इमेज हो रही है सेव, ये इमेज सेव हो चुकी है। अभी दोस्तों आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर एक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, फिर से आपको जाना है, वहीं जाना है 3D टेक्स्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3D टेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए और थोड़ा यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको वाई रोटेशन, इसको आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर 20, 24 इतना आप कुछ रख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जेड रोटेशन, आपको जैसा आप चाहते हैं वैसा आप कुछ रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा 120 इतना कुछ आप रख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं -21 डिग्री इतना मैंने रखा है, उसको कर देना है ओके। फिर से दोस्तों उसी प्रोसेस को यूज़ करके इसको भी आपको कर देना है सेव। दोस्तों देख सकते हैं आपकी इमेज हो चुकी है सेव। अभी हम दोस्तों इसको कर देंगे सिंपली एक्सेट और उसके बाद में काइन मास्टर ओपन कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काइन मास्टर ओपन हो चुका है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको इस प्लेस मार्क के ऊपर क्लिक करना है और 16:9 रेशियो सेलेक्ट करके एक एम्प्टी प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों अभी आपको जाना है सबसे पहले यहाँ पर मीडिया के ऑप्शन के ऊपर, उसके बाद में दोस्तों आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है दे दूंगा, वहाँ पर इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह की फुटेज है, इसकी लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है और इसको कर देना है ओके। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको इतना आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 2.9 तक आने के बाद में आपको जाना है लेयर के अंदर, फिर मीडिया के अंदर जाइए। उसके बाद में दोस्तों आपने अभी जो पिक्सल ऐप से जो पहले नाम क्रिएट करा था उसको यहाँ पर आपको लोड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से शो करेगा, आपको इस तरह से यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉ करके आपका नाम सेट करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको इन एनिमेशन करके, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हैं पॉप, इस वाला एनिमेशन आपको यहाँ पर लगाना है और इसके एनिमेशन स्पीड यहाँ पर देख सकते हैं 0.5, 6, 7 तक आपको रखना है और इसको कर दीजिए ओके। तो चलिए एक बार मैं प्ले करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जैक्टली आपको यहाँ पर आना है 6 सेकंड्स तक और अपनी जो लेयर है यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट वाली लेयर,
इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको सीजर का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको ट्रिम कर देना है। यहाँ पर इस तरह से ट्रिम करके इसको कर दीजिए ओके। उसके बाद में दोस्तों आपको जाना है लेयर के अंदर, फिर मीडिया के अंदर जाइए और आपने अभी जो दूसरा नाम क्रिएट करा था देख सकते हैं, इसको यहाँ पर आपको लोड करना है। फिर आपको कुछ इस तरह से इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके बड़ा कर लीजिए जितना भी आप करना चाहते हैं। उसके बाद में दोस्तों फिर आपको इसको भी आना है इन एनिमेशन और पॉप वाला एनिमेशन लगाना है और इसकी भी एनिमेशन स्पीड उतनी ही रख लीजिए और इसको कर दीजिए ओके। उसके बाद में दोस्तों आपको आना है यहाँ पर इसके पूरा एंड पॉइंट पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड पॉइंट पर आने के बाद में आपकी जो लेयर है ये जो वाली टेक्स्ट वाली लेयर, इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर से आपको जाना है सीजर के अंदर और इसको कर देना है इस तरह से ट्रिम, यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड ट्रिम, और इसको कर दीजिए ओके। फिर दोस्तों उसी लेयर के ऊपर आपको टच करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको आउट एनिमेशन, इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्केल डाउन, इस वाला एनिमेशन लगाने के बाद और इसकी एनिमेशन स्पीड उतनी ही रख लीजिए और इसको कर देना है ओके। फिर दोस्तों उसी लेयर के ऊपर आपको टच करना है, यहाँ पर आना है ओवरऑल एनिमेशन के अंदर और यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको फ्लोटिंग करके, इसके ऊपर आपको सेलेक्ट करना है और इसको कर दीजिए ओके। फिर दोस्तों इसी लेयर के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं जो पहली वाली लेयर है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ओवरऑल एनिमेशन में जाना है और इसको भी जो है आपको फ्लोटिंग वाला एनिमेशन आपको लगाना है एंड देन डन। तो दोस्तों आपका इंट्रो क्रिएट हो चुका है, चलिए एक बार इसे मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लुक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरह से इस प्रोसेस को यूज करके 3D टेक्स्ट नेम इंट्रो आप काइनमास्टर में ही क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और दोस्तों ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद।